अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, दिन में सलाम करते हैं, मंच पे भाषण मारते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और रात को जाकर के योगी जी मोदी जी को सलाम ठोकते हैं। असली भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान है। ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी। एनडीए में शामिल होकर के हम लोग सठ के सहयोग कर रहे हैं 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बात अतिशयोक्ति लगेगी, उदाहरण मैं बता दूं, जिस बात को लेके वो गुस्से में हैं, प्रदेश में देश में बाई इलेक्शन हुआ, गलती पहले किसने किया? कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़ा किया और जीता कौन? कांग्रेस को हरवाया और भारतीय जनता पार्टी को जितवाया। इसके पहले एमएलसी का चुनाव था, खुद अखिलेश जी एमएलसी थे, उनके नौ रत्न एमएलसी थे रहे और 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए। तीसरा उदाहरण मध्य प्रदेश देख लीजिए। आप एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, तो ये बीजेपी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, असली भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान है। दिन में सलाम करते हैं, मंच पे भाषण मारते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और रात को जाकर के योगी जी मोदी जी को सलाम ठोकते हैं। ये है इतिहास, ये है कल्चर। आप देखिएगा लोकसभा का भी चुनाव, 4 दिन पहले मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आप उठा के बयान निकाल लीजिएगा, आज हुआ क्या? अकेले लड़ रहे हैं। अभी 24 का चुनाव दूर है, आप देखिएगा यही समाजवादी पार्टी रात को जो जाके सलाम ठोकते हैं उसके पीछे कारण है, वो कारण हम बाद में बताएंगे। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।